हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट प्रॉब्लम का एरर आ रहा है तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं या फिर विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है सबसे पहले सेटिंग में जाइए। तो मैं यहाँ पर विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्ट मेनू के ऊपर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक कर लेते हैं। विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर ईमेल एंड अकाउंट्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपने जो भी जीमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन किया था आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कर इसको एक्सटेंड कीजिए। फिर आपको यहाँ पर अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन है और यहाँ पर रिमूव अकाउंट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर रिमूव के ऊपर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक कर आप अपनी जीमेल को यहाँ पर से रिमूव कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐड अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर outlook.com इस पर आपको क्लिक कर आपको फिर से अकाउंट को लॉगिन करने के बाद ऑल सेटिंग्स को जो है क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको आपके पीसी को एक बार रीस्टार्ट कर देना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।